स्टूडेंट्स ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम 7.46 फ्रॉम पेज नंबर 236 ऑफ इक्विलिब्रियम है राइट तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज 1.74 10 रे टू पावर -5 कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड हमारे पास वन पॉइंट सेवन फोर इन टू टेन रेस टू पार माइनस फाइव आर है राइट right? आपसे बोला गया है कि आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बतानी है एस्टिक एसिड की जब ये जीरो पॉइंट जीरो मोलर सोल्यूशन में प्रेजेंट है

डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है इसे हम एल्फा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं राइट सो इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डेफिनेटली आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट के ए डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन राइट सो आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू हमारे पास वन पॉइंट सेवन फोर इन टू टेन रेज टू पार माइनस फाइव गिवन है और जो कंसेंट्रेशन है सोल्यूशन की दैट इज जीरो पॉइंट जीरो फाइव मोलर तो सबसे पहले हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखेंगे आ जाएगा, राइट सो so, सबसे पहला टारगेट हमारा क्या है कि ये जो डिनोमिनेटर में जीरो पॉइंट जीरो फाइव है इसे सॉल्व करना है राइट तो जीरो पॉइंट जीरो फाइव जब आप इसका डेसिमल हटाओगे तो ये फाइव बाय हंड्रेड आ जाएगा राइट right? अब हंड्रेड को अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना चाहूं तो यहां पे दो जीरो है वन के साथ तो टेन की पावर कितनी आ जाएगी टेन रेज टू पार टू आ जाएगा राइट सो इट विल बी अल्फा इक्वल टू अंडर रूट वन पॉइंट सेवन फोर इन टू टेन रेज टू पार माइनस डिवाइडेड बाई फाइव बाई टेन रेज टू पार टू आ गया अब अगर आप देखो तो हमारे पास ये जो टेन रेज टू पार्ट टू है ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है तो ऑटोमेटिकली ये न्यूमरेटर में चला जाएगा राइट सो अल्फा इक्वल टू डेफिनेटली ये हमारे पास 1.74 पॉइंट सेवन टू टेन रेज टू पार फाइव इन टू टेन रेज टू टू बन जाएगा डिवाइडेड बाय फाइव आ गया तो जब आपने वन को फाइव के साथ डिवाइड किया तो योर आंसर विल बी जीरो पॉइंट थ्री फोर एट ना ये दोनों पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है तो ये आप ऐड कर सकते हो सो टेन टू पर माइनस फाइव प्लस टू आ गया अब ये जो मेरे पास जीरो पॉइंट थ्री फोर एट आ रहा है इसे मैंने अकॉर्डिंग टू दी साइंटिफिक नोटेशन लिखना है राइट ये डेसिमल में अप टू वन डिजिट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिस्प्लेस करूंगी राइट तो जब भी डेसिमल डिस्प्लेसमेंट जो है वो लेफ्ट टू राइट होती है तो पावर हमारे पास नेगेटिव आती है राइट सो थ्री पॉइंट फोर एट इंटू टेन रेज टू पार माइनस वन आ गया इन टू टेन रेज टू पार माइनस फाइव प्लस टू इट विल राइट सो अगेन ये दोनों पावर मल्टीप्लीकेशन में है तो ये आप एड कर दोगे अंडर रूट थ्री पॉइंट फोर एट टू टेन रेज टू पार माइनस वन माइनस थ्री आ जाएगा राइट एल्फा इक्वल टू अंडर रूट थ्री पॉइंट टेन रेज टू पार माइनस फोर आ जाएगा तो जब आपने थ्री पॉइंट फोर एट इंटू टेन रेज टू पार माइनस फोर का अंडर रूट किया तो एल्फा की वैल्यू हमारे पास वन पॉइंट एट सिक्स फाइव इंटू टेन रेज टू पार माइनस टू आ गया राइट अगर आपको अंडर रूट देखना नहीं आता है तो ऑलरेडी मैंने इस पर एक वीडियो डाली हुई है लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप वो चेक कर सकते हो राइट सो यहाँ पे हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है एस्टिक एसिड का वो फाइंड आउट कर लिया है राइट अब हमने देखना है कि हमारे पास कंसनट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन कितनी आ रही है तो इसके लिए जो इक्वेजन है मैं वो लिख लेती हूँ सो so, मेरे पास एसिटिक एसिड जो है ये किस फॉर्म में डिसोसिएट करता है डेफिनेटली एसिटेट आयन सी एच थ्री पॉजिटिव की फॉर्म में राइट अब इनिशियल हमारे पास एसिड जीरो फाइव मोलर मेंशन है, राइट एंड हमारे पास इनिशियली कोई भी एसिटेट आयन और एच पॉजिटिव आयन फॉर्म नहीं हुआ है एट इक्विलिब्रियम स्टेट मैं ये अज्यूम कर लेती हूँ कि मेरे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो अल्फा हुई है right? तो definitely acetate ion कितने आ जाएंगे? Concentration, जो भी मेरे पास concentration mention है, इनटू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेम वे में एच पॉजिटिव आयन भी सी अल्फा बन जाएंगे राइट right? अब कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड कितनी बच जाएगी जो मेरे पास एक्चुअल है सी माइनस जितने एसिटेट आयन और एच पॉजिटिव आयन फॉर्म हुए हैं तो यहां पे सी अल्फा आ गया राइट right? अब यहां से हम डेफिनेटली सी कॉमन निकाल सकते हैं पीछे क्या रह गया वन माइनस एल्फा हमारा टारगेट क्या है कि हमने कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन फाइंड आउट करने हैं सो यू कैन राइट कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट सी एच थ्री सी ओ ओ नेगेटिव आय अब ये हमने कितनी ली हुई है जो मेरे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आया है जब मैं उसे कंसेंट्रेशन है उसके साथ multiply करूंगी, तो मेरे पास कंसेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन आ जाएगी so, लिख लिया अब कंसेंट्रेशन हमारे पास सोल्यूशन की कितनी है जीरो पॉइंट जीरो हमने अभी फाइंड आउट किया वन पॉइंट एट सिक्स फाइव इंटू टेन रेस टू पर माइनस टू राइट right? तो जब आपने जीरो पॉइंट जीरो हमारे पास मोलर आ रहे हैं अब यहाँ पे ये जो टेनरेज टू पर माइनस टू है इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ये वैल्यू जो है ये डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है राइट right? अब ये डिनोमिनेटर में टेनरे टू मीनस कि हमारे पास ये वन के साथ टू जीरो टू डिवाइडेड बाई यहां पे 100 आ जाएगा तो जब आपने जीरो पॉइंट के साथ डिवाइड किया तो यीरोन ऑफ एसीटेट आयन आ गई है अब नेक्स्ट हमने पीएच जो है वो फाइंड आउट करना है पीएच का फॉर्मुला क्या होता है पीएच इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव कि हमारे पास एक सोल्यूशन में एच पॉजिटिव आयन कितने प्रेजेंट राइट अब एच पॉजिटिव आयन की अगर हम बात करें तो ये किसके इक्वल आ रहे थे के इक्वल आ रहे थे, ठीक है सो so, यहाँ पे हमने एसिटेट आयन जो है वो ऑलरेडी फाइंड आउट किए हुए हैं दैट इज जीरो पॉइंट जीरो 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 नाइन थ्री टू राइट तो यहां पे हम यही वैल्यू पुट कर देंगे So, pH equal to log of, अब इसे आप राउंड अप करके लिख सकते हो यहाँ पे वैल्यू में दूंगी अब इसे मैं अकॉर्डिंग टू दाइंटिफिक नोटेशन लिखना चाहती हूँ राइट सो अकॉर्डिंग टू दाइंटिफिक नोटेशन देयर शुड बी वन नॉन जीरो डिजिट ऑन दाइड ऑफ द डेसिमल राइट सो ये डेसीमल डिस्प्लेसमेंट में आप टू वन टू थ्री फोर डिजिट कर दूंगी सो इट विल बी नाइन पॉइंट थ्री इन टू जो है, वो right आ रही है, तो डेफिनेटली पावर जो है ये हमारे पास नेगेटिव आएगी सो नाइन पॉइंट थ्री इन टू टेन रेज टू पर माइनस फोर आ गया तो ये वैल्यू हम यहाँ पे मैंशन कर देंगे नाइन पॉइंट थ्री इंटू टेन रेज टू पर माइनस फोर हमने अब इसका लॉग फाइंड आउट करना है सो नेगेटिव साइन मेंशन कर दिया लॉग फाइंड आउट करने के लिए हम मेनली दो फॉर्मूले यूज करेंगे दैट विल बी लॉग एम इन टू एन ये हमारे पास लॉग एम प्लस एन बना देगा राइट और सेकेंड फॉर्मूला हम यूज करेंगे लॉग एम पावर एन ये एन लॉग एम आ जाएगा राइट सो सबसे पहले हम लॉग एम इंटू एम वाला फॉर्मूला लगाते हैं सो इसे मैं एम मान लेती हूँ इसे मैं एन मान लेती हूँ राइट सो यहाँ पे लॉग तो ये क्या बन जाएगा नाइन पॉइंट थ्री प्लस लॉग यहाँ पे टेन रेज टू पावर माइनस फोर आ जाएगा राइट अब यहाँ पे इसे मैं एम मान लेती हूँ और इसे एन मान लेती हूँ राइट सो so, यहाँ पे एम पावर एन वाला फॉर्मूला लग जाएगा सो पी एच इक्वल टू माइनस लॉग नाउ नाइन पॉइंट थ्री आ गया प्लस शर्ली माइनस फोर लॉग टेन बन जाएगा राइट एंड अगर हम लॉग टेन देखें तो लॉग टेन की वैल्यू हमारे पास वन आती है राइट पी एच इक्वल टू माइनस लॉग नाइन पॉइंट थ्री ये हमारे पास जीरो पॉइंट नाइन सिक्स एट के इक्वल आता है राइट right? और लॉग टेन अभी हमने बात की है कि वन के इक्वल होता है सो प्लस इंटू माइनस यहां पे माइनस आ गया फोर इंटू वन आ गया राइट सो पी एच इक्वल टू अब माइनस जीरो पॉइंट नाइन सिक्स एट यहां पे माइनस आ गया फोर इंटू वन फोर बन जाएगा जब आपने फोर में से जीरो पॉइंट नाइन सिक्स एट माइनस किए तो पी एच इक्वल टू माइनस माइनस का साइन आ गया क्योंकि फोर की वैल्यू जो है इसके साथ माइनस का साइन लगा हुआ है इट विल बी थ्री पॉइंट अब माइनस इनटू माइनस प्लस हो जाता है सो so जो मेरे पास एसिटिक एसिड जिसकी कंसंट्रेशन जीरो पॉइंट जीरो फाइव मोलर आ रही है उसका पीएच 3.03 थ्री पॉइंट जीरो थ्री रिपोर्ट हो रहा है